हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं अभी शाम का टाइम है और अभी कर रही हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत 7:15 बजे। तो आज तो पूरा दिन जो था वो पूरा दिन भी नहीं, मतलब मेले में गए थे। आज बताया था मैंने कल आपको कि सैटरडे को हमारे यहाँ पे मेला है, कुश्ती है, हमारी भाषा में, देसी भाषा में छिंज बोलते हैं उसको। तो बस वो देखी, मतलब थोड़ी ऐसे ही थोड़ी सी देखी और उसके बाद फिर हम आगे थे, थोड़ा सा मेला घूमा, खाया पिया और फिर घर आ गए। तो फिर घर में आके थोड़ी देर रेस्ट की। फिर कल का ब्लॉग भी थोड़ा सा बच गया था कि मैक्स ऊपर था, उसको नीचे कैसे उतारा, तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि तब वीडियो की तरफ ध्यान ही नहीं था। ध्यान था सिर्फ मैक्स को उतारने के लिए कि इसको कैसे उतारो। तो पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप, तो उन्होंने बोला कि मैं शाम को आके उतारूंगा, लेकिन मैं बार बार उसको देख रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। अंदर अकेली में बैठ रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि वो बाहर कैसे बैठा होगा, देख रहा था बार, मैं छुप छुप के देख रही थी। तो उसका ध्यान बिल्कुल हमारे इसकी तरफ ही था, खिड़कियों को, कि वहाँ से बोलेगी और मेरे को उतारेगी, लेकिन डर भी इसको बहुत लग रहा था। फिर जैसे बच्चे स्कूल से आए ना, ये नन्नू दिबू आए स्कूल से, फिर मैंने उनको बोला मैं कि चलो आप एक जो है वो नीचे से सीढ़ी को पकड़ना, क्योंकि सीढ़ी जो है वो फिर फिसलेगी और कहीं मैं गिर ना जाऊं। फिर नन्नू ने नीचे से सीढ़ी पकड़ी और फिर मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ के, फिर दिबू, मतलब दिबू ने क्या किया कि वैसे उससे बात करता रहा, उसका जो उसको मतलब इधर उधर की बातों में उसको घुमाए रखा। फिर मैंने उसको ऐसे उठाया ऊपर को, जैसे बच्चों को उठाते हैं ना ऐसे ऊपर को। तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे उठाया था मैंने, तो वीडियो तो नहीं बनाया लेकिन अभी उठा के दिखाऊंगी मैं आपको। तो ऐसे उठा के फिर मैंने नीचे उसको उतारा और बहुत आसानी से नीचे उतर गया। फिर वो मतलब जैसे मेरे ऐसे चिपका था ना, फिर उसको डर नहीं लगा, ऐसे पीठ पे उतार रही थी या ऐसे करके तो उसको डर लग रहा था। और इस तरह से फिर मेरी मेले में गई थी। फिर ना मेरे यहाँ से मतलब मेरी देवरानियाँ, हाँ देवरानियाँ लगती हैं, जेठानियाँ भी हैं, तो वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो वो भी मेरे को पूछ रहे थे कि दीदी आपने फिर मैक्स को कैसे उतारा था, वो तो आपने बताया नहीं। तो थैंक यू पहले उनका कि वो मेरे ब्लॉग देखती हैं, और लाइक तो भैया आप करते नहीं हो, तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। तो ब्लॉग देखते हैं वो तो मुझे पता है, उन्होंने बताया मुझे पहले भी। तो आज वो मेले में यही बोल रहे थे कि दीदी आपने मैक्स को कैसे उतारा था, तो आपने वो वीडियो नहीं शेयर की। मैंने कहा भाई फिर ऐसे वीडियो तो नहीं बनाई है, तो मैं बता दूंगी आपको कि मैक्स को मैंने कैसे उतारा था। तो वो मुझे मेले में ही मिली थी, तो बस फिर अभी बताती हूँ मैंने कैसे उतारा था उसको। और उसके बाद फिर मेला देखा, आप मेले का एंजॉय करें और फिर मिलूंगी मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आपको मैक्स को दिखाती हूँ कि मैंने मैक्स को कैसे पकड़ा था। तो मैंने ऐसे उठाया उसको, फिर मैं ऐसे ले आई नीचे को, ऐसे मैंने इसको चढ़ाया था। पर तब मैं ऊपर छत पे चढ़ी थी ना, वो तो ये देखो आप, तो ये मैंने दिखाया आपको जो मेरी देवरानी मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आपने मैक्स को कैसे उतारा था, तो इसी तरह से उतारा था और इसी तरह से मैंने इसको चढ़ाया था। तो ऐसे इसको उठाओ ना तो इसको डर नहीं लगता है, लेकिन ऐसे भी फिर मैं सोच रही थी कि ऐसे उठा के फिर सीढ़ी फिसल ना जाए उतारते टाइम और मैं गिर ना जाऊं। तभी फिर स्कूल से बच्चे आए तो फिर नन्नू को मैंने बोला कि नीचे सीढ़ी पकड़े रखना, मैं ऐसे उतरूंगी और ऊपर से जो है वो दीपू पकड़ के रखेगा सीढ़ी, नीचे से जो है वो नन्नू पकड़े। तो इस तरह से फिर मैं उतर गया और बहुत ही आसानी से ये उतर गया। तो अभी जो है मैं फिर जो आज मेला देखा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो प्लीज आप मेले का एंजॉय करें। दीदी जो बहुत ही सियाने ने कुछ नहीं बोले, तुहे नहीं आओ पछैनी है, पर मैं तुहे पछैन ही लै क्या दिख रहा दीदी है ती दीदी हूं ही चली पी दीदी अटकी दीदी चली जाना मेरे 30 रुपये बचे। कितने पैसे खर्ची थे 150 है।
ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਅਗੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਿਆ ਖਾਈ ਲਿਆ ਕੁਛ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ 50 ਸੌਰੀ 25 ਬਚੇ 25 ਬਚੇ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਲੈ ਉਹ 25 ਮਿੱਕੀ ਮਾਸ ਚਲ ਅੱਗੇ ਦਾਏ ਪਾ ਤਾਂ ਡੇਰੀ ਆਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਲੈਣੇ ਆਈ ਅੰਗੇ ਤੀ ਨਾ ਆ ਇਹ ਖਰਾ ਡੋਲ ਆ ਇਹ ਬੋਟੇ ਬੱਟਿਓ ਜਾਓ ਲਈ ਆ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਜੇ ਬੈਠੂ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਟ ਏਡਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫ ਪੋ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ राधे। तो आज है मंडे और कल संडे को मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ, तो उस दिन मेला था सैटरडे को। सैटरडे शाम को ही मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी किसी वजह से, और फिर कल संडे को मैंने सोचा शाम को डाल दूँगी इसको, लेकिन कल फिर मैं दवाई लेने चली गई। और शाम को जब मैं आई थी तो मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे बीपी मेरा हाई हो गया था शाम को। पहले तो बीपी चेक करवाया वहाँ पे तो ठीक था बिल्कुल, पर पता नहीं बाद में फिर सर में इतनी दर्द और फिर मन लगा, मतलब ऐसे अजीब सा मन हो रहा था, मतलब उल्टी करने को मन कर रहा था। फिर जैसे घर आई थोड़ी देर रेस्ट की लेकिन सर की दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद उल्टियाँ वगैरह भी हुई लेकिन हाँ शायद बीपी वगैरह बढ़ गया होगा। तो बस फिर रात को भी दवाई वगैरह खाई फिर सो की थी, तो ये टाइम नहीं लगा मुझे वीडियो की एडिटिंग करने का। तो अभी जो मंडे है तो मॉर्निंग में इसकी एडिटिंग भी की मैंने और बस अभी इसको अपलोड कर दूँगी। तो ये मेला भी देखा आपने जो भी था बच्चों ने, छोटा सा मेला होता है लेकिन चलो धीरे धीरे जब होगा, अभी लगे हैं कुछ टाइम से करवाने ना इसको यहाँ हमारे गाँव में। तो कुश्ती भी होती है, कुश्ती ऊपर थी तो पहले तो छोटे छोटे बच्चों की कुश्तियाँ हुई और उसके बाद फिर बड़े लगे थे करने तो हम नीचे आ गए थे, तो नीचे थे बस। फिर मेला भी छोटा सा ही था और बस वही घूमा फिरा, बच्चों ने मेला भी देखा, झूले भी झूले, और तो इस तरीके से था फिर आज की वीडियो। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।